हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज मिस सैकंग। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दो दिन पहले मैंने एक सुपर एक्स एक्सचेंज की वीडियो डाली हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सचेंज है अभी नया है एंड इस एक्सचेंज पे हमें यहाँ पर इसके जो ईटी टोकन्स हैं वो अभी फ्री में मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि इनको हम लोग यूज कैसे कर पाएंगे, इनका इन फ्यूचर हम लोग इसका क्या बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईटी टोकन का जो रेट था वो जब मैंने वीडियो बनाई थी तब लगभग $4 से $5 था, और दो दिन के अंदर ही ये कॉइन बहुत ही ज़्यादा पंप हुआ है, 2 से 3 दिन के अंदर। और यहाँ पर जिस भी पर्सन ने यहाँ पर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका जो पैसा है वो यहाँ पर 5-6 गुना ईजिली हो चुका है। क्योंकि आप देखोगे तो इसने यहाँ पर ये कॉइन बिल्कुल भी नहीं गिरा है और कंटिन्यू ये कॉइन पंप होता जा रहा है, और इसने अपना जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे $35 का बना दिया है। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे ईटी टोकन हमें मिले हैं, जो हमने रेफ़र किया है वहाँ से जो हमें ईटी टोकन मिले हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास अभी 429 टोकन यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, जिसकी अगर हम अभी लाइव रेट के हिसाब से वैल्यू देखें तो $14,427 की वैल्यू यहाँ पे बनती है, जिसको अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो INR में इसकी वैल्यू होगी लगभग 12-13 लाख रुपए के समथिंग, इतना ही लगभग होगा, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है, तो लगभग 12 से 12 लाख या 13 लाख के समथिंग बैठेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा है। और अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये सारा अमाउंट क्या हमें मिल सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अभी तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद या आने वाले 4-5 साल बाद ये जो अमाउंट है वो हमें धीरे धीरे करके हम इसका यूज कर पाएंगे, इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो एड ऑफ पर इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है कि किस तरीके से ये अनलॉक होगा। तो यहाँ पे आप एड ऑफ पर आएंगे, यहाँ पे इन्होंने अनलॉकिंग रूल्स दिए हुए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इन्होंने दी हुई हैं कि आप इनके ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और आप यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं, एंड आप यहाँ पे जो भी ट्रेड करेंगे तो उस पर आपका जो भी यहाँ पे अभी फ़ीस कटेगा वो फीस आपको ईटी टोकन्स के रूप में वापस मिलने वाला है। तो एक तो ये यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट हो गया कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग फीस अभी लगेगा वो दोबारा आपके जो ईटी टोकन्स अभी आपके पास पड़े हुए हैं वो आपके उतने अमाउंट के ईटी टोकन्स आपके अनलॉक हो जाएंगे। तो पहली तो यहाँ हमें यहाँ पे एक फैसिलिटी मिल गई कि हमारी यहाँ पे जो ट्रेडिंग फीस है वो एक तरीके से हमें हमारे ईटी टोकन्स के रूप में वापस मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग भी है और फ्यूचर ट्रेडिंग भी है। तो स्पॉट ट्रेडिंग हम करते हैं तो ज़्यादा हमारा फीस नहीं कटता है, क्योंकि अमाउंट उतना ही होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि फ्यूचर ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो फीस होती है एक्सचेंज की वो कटती है, तो ज़्यादा फीस कटेगी तो ये हमारा उतना ही वापस यहाँ पे हमारे जो कॉइन्स हैं वो अनलॉक होते जाएंगे, और जिसका हम दोबारा से इसको सेल करके USDT में सेल करके वो USDT में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप इस तरीके से अपने जो कॉइन्स हैं, ठीक है, उनको अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा तरीका आने वाले टाइम में यहाँ पे हो सकता है कि ये धीरे धीरे करके आपके डाउन के जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उनका यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में एक और है कि आफ्टर कंप्लीटिंग ए ट्रांजेक्शन द ट्रेडिंग यूजर एंड द इन्वाइटर ऑफ द यूजर कैन शेयर 50% ऑफ द अनलॉक्ड ईटी अमाउंट फॉर दैट ट्रांजेक्शन। यानी कि आपके डाउन में जो भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, आपने जिन भी लोगों को इन्वाइट किया हुआ है वो भी यहाँ पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका भी जो यहाँ पे फीस कटता है, तो फीस कटेगा तो सीधी सी बात है कि उनको उतने ही ईटी टोकन्स उनको अनलॉक कर दिए जाएंगे, एंड उनका जितना भी ईटी टोकन्स अनलॉक हो रहा है उसका 50% टोकन आपको भी यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि आपका टोकन भी यहाँ पे अनलॉक होने वाला है।
तो ये भी तरीका यहाँ पे है कि आपकी आपने जो यहाँ पे टीम बनाई हुई है वो अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो उनका जितना भी फीस यहाँ पे कटेगा तो उतने ही अमाउंट के बराबर उनका ET टोकन्स अनलॉक होगा उनके वॉलेट से। लेकिन उनका जितना भी ET टोकन्स अनलॉक हुआ उसका 50% आपके वॉलेट में जो ET टोकन्स हैं वो आपके अनलॉक होने वाले हैं। तो ये अभी यहाँ पे 2 से 3 तरीके हैं, आप यहाँ पे खुद से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका जितना भी फीस लग रहा है उतना आपको ET टोकन्स के रूप में वापस मिल रहा है। एंड आपकी टीम जिन भी लोगों को आपने इनवाइट किया है वो यहाँ पे जब उनके जो टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं तो उसका 50% टोकन आपके भी यहाँ पे अनलॉक होंगे। तो अभी ये यहाँ पे 2 ही तरीके हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड भरे पड़े हैं और लोग कुछ भी बोल रहे हैं, पता कुछ नहीं है लेकिन कुछ भी बोल रहे हैं। तो सिंपल सा यही प्रोसेस है, अभी हम इसी तरीके से इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी टीम में कुछ लोगों ने ET टोकन्स को बाई किया हुआ था लगभग $12 के रेट पे, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगभग 3 गुना पहुँच चुका है $12 के हिसाब से भी। और जब मैंने वीडियो बनाई हुई थी तो ये $4 का था, और $4 के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 7-8 गुना इसका रेट पहुंच चुका है। यानी कि बहुत ही तेज़ी से ये टोकन सभी बूम कर रहे हैं। लेकिन एक्साइटेड होके कोई भी पर्सन यहाँ पर ET टोकन्स में ऐसा ना करे कि उसने $1,000 $2,000 $10,000 डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इस टोकन्स को बाई करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा $50-100 का ही बाई करें, उससे ज़्यादा आप एकदम से पैसा ना लगाएं, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये अभी ऊपर जा रहा है हो सकता है कि आने वाले टाइम में उतनी ही तेज़ी से ये दोबारा से नीचे भी आए। तो जितना भी आप यहाँ पे ET टोकन्स बाई करें, ठीक है, वो आप सोच समझ के करें जैसे आप और क्रिप्टो एक्सचेंज में करते होंगे। बाकी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ट्रेडिंग करने से पहले आप एक काम ज़रूर कर लें कि आपका जो यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर है उसको आप इनेबल कर लें, क्योंकि उसको इनेबल करने के बाद ही आप यहाँ पे विड्रॉल ले पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी मैंने इनेबल नहीं किया है तो मैं ये बाद में कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन है तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अभी इंडिया वाले लोगों के लिए क्या है कि SMS ऑथेंटिकेटर पर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अगर हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो अभी यहाँ पर इंडिया का जो सीरियल नंबर है, सीरियल कोड है, कंट्री कोड है, जो वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे अगर आप नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर को यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसके लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गूगल विड्रॉल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मांगेगा गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन, तो इस पर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करेंगे, उसका जो की होगा वो आप यहाँ वो अपना आप सेव करके रख लेंगे, और उसके बाद आप उसको यहाँ पे बाइंड कर देंगे तो उस पर जो भी कोड आया करेगा वो आप यहाँ पे डिपॉजिट करके अपना जो है विड्रॉल वगैरह ले पाएंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इन्होंने यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन भी दे दिया है, तो आप यहाँ से भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है इसकी अपडेट, आपको अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का ET टोकन्स का विड्रॉल नहीं ले पाएंगे, आपको ओनली ये धीरे धीरे अनलॉक होते जाएंगे उतना ही आप यहाँ पे इसको सेल कर पाएंगे, उसका विड्रॉल ले सकते हैं। ऐसा ना समझे कि ये अभी जितने भी मिले हुए हैं $14,000-15,000 के कॉइन तो ऐसे ये एकदम से रिलीज नहीं होंगे। हाँ, आने वाले टाइम में ये ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जब इनका प्राइस बहुत ज़्यादा इनके ET टोकन्स का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, और ये अच्छी खासी रैंक बना लेगा क्रिप्टो मार्केट में, तो यहाँ पे उस टाइम हो सकता है कि 1-1% या आधा आधा परसेंट यहाँ पे कॉइन्स हमें हर वीक या हर दिन या फिर हर महीने रिलीज होते रहें, यानी कि अनलॉक होते रहें, तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। और जितने भी लोग इस एक्सचेंज को फेक मान रहे थे या फिर भरोसा नहीं कर रहे थे तो उनको मैं बता दूं कि आपने जो भी अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे हैं उनको आप बचा के रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक्सचेंज मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि बाइनेंस के बाद मुझे जैसा कि लगा कि एक अच्छा एक्सचेंज यहाँ पे और यहाँ पे आ चुका है US की तरफ से, जो कि आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट लोगों को दे सकता है।
उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, एंड जितने भी लोगों को आपने इस एक्सचेंज के बारे में इनवाइट किया है लोगों को, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।